हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस इंग्लिश के नए लेसन में कक्षा चौथी जी है उनका स्वागत करदा। सारे बच्चों नू निवेदन है कि सारे बच्चे एकांत होकर बैठो, बिल्कुल डिस्टर्बेंस और लागे नहीं होनी चाहिए, ता ही पाठ जिहड़ा है चंगी तरह आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने ज्ञान च वाधा कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे शब्द आने ने जिहड़े तुसीं बिल्कुल शांत हो के ध्यान नाल देखो ता ही समझ आएगी। सो जिन्हें भी अध्यापक साथी वीडियो देख रहे उन्हों का भी स्वागत करता हाँ, मापियां का स्वागत करता हाँ जिहड़े वीडियो देख रहे हैं, तो उन्होंने भी सज्जन भैन भरा जिहड़े वीडियो देख के अगे शेयर करते हैं उन्हों का भी बहुत बहुत स्वागत है। वो भी इस सिक्ख्या के संचालन के भागीदार ने, उन्हों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सो प्यारे बच्चों, जमात चौथी दे अगस्त महीने के सिलेबस के मुताबिक असी जिहड़ा है अज नवा पाठ शुरू कर जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है टीम वर्क, पाठ नंबर 4 है। पहला असी 3 पाठ जिहड़े कर चुके हैं, ठीक है, उन्होंने अभ्यास भी कर चुके हैं विस्थार नाल, उहदे जिहड़े है असी वर्कशीट के उपर भी कम कर चुके हैं। इस पाठ नूं पढ़न तों पहलां उसनूं रिवाइज़ जरूर करना है, एक बारी ध्यान नाल जिहड़े है तीनों पाठ रिवाइज़ करने ने, वारी वारी रिवाइज़ करन तों बाद ही चौथे पाठ वल तुसीं आउणा है। सो चलो शुरू करदे हां पाठ नंबर 4, टीम वर्क। अच्छा प्यारे बच्चे, मैनूं इह दस्सो कि टीम की हुंदी है, कोई बच्चा दस सकदा है कि टीम किस नूं कहिंदे ने, की हुंदी है टीम? बहुत सारे बच्चे चंगी तरह जानते होने, तुसीं जदों ग्राउंड दे विच क्रिकेट खेडदे हो, फुटबॉल खेडदे हो, कोई भी गेम खेडदे हो, जिहड़े काफ़ी खिडारी रल के खेडदे आ, वो एक टीम हुंदी है ना। टीम ए टीम बी कहने ना, पाकिस्तान की टीम, भारत की टीम, बंगलादेश की टीम, आस्ट्रेलिया की टीम। टीम की हुंदी है बेटा? ग्रुप ऑफ परसनस, ठीक है, जिहदे विच बहुत सारे इंसान जिहड़े शामिल हुंदे आ, चाहे वह खेडण दी होवे, चाहे कोई काम करन दी होवे, चाहे किसी दफ्तर विच होवे, स्कूल विच होवे, जदों असी टीम बना के काम करते हैं तो उस विच सफलता मिलना होर भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ता ही एक चंगी टीम जिहड़ी आ उह छेती जित जांदी। चंगी टीम का भाव जिहड़ी मेहनत नाल काम करती है वह ता ही सफल हो जाती है, ठीक है। सो टीम का अर्थ बेटे की है? टीम का अर्थ हुंदा है कि ग्रुप ऑफ परसनस, एक ग्रुप उन्हां बंदियां दा जिहड़ा मिल के काम करता है, ठीक है। हुण आपां ये क्लीयर कर लिया कि टीम का अर्थ की है, एक संगठन है, ग्रुप है, ठीक है। सो हुण आपां देखना है कि वर्क का की मतलब है। वर्क किस नूं कहिंदे बेटा? कोई भी काम करना वर्क अखवाउंदा है, काम अखवाउंदा है। कोई भी असीं काम कर रहे हैं क्योंकि साडा जिंदगी दे विच कोई ना कोई निशाना जरूर हुंदा है। जे असीं घरों निकले हां कमाई करन वास्ते, साडे पिता जी काम करन जांदे आ बाहर, तो वह साढ़े वास्ते कमाई करके लिया है, ये उन्हों का काम है, ठीक है। साडा काम की है? पढ़ना, ठीक है। असी लगातार पढ़ रहे हैं, साडा मोटिव की, असी सिलेबस कवर करना है, ज्ञान हासिल करना है, ठीक है। कि उस ज्ञान को जोड़ा है अपने तक सीमित नहीं रखना, सारे तक वंडना है, उसकी जानकारी सानू होनी चाहिए है, ये साडा काम है। सो काम का मतलब की है कि कुछ समय नू वरत के असी जोड़ा है कुछ प्राप्त करने वास्ते जिहड़े असी कोशिशां जिहड़ियां करदे आ उसनू काम कहिंदे आ, ठीक है। सो हुण भी असी पढ़ रहे हैं तो ये भी एक काम है, ठीक है। सो टीम वर्क की होया कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जो कोई काम करते हैं, ठीक है, किसी मकसद वास्ते काम करते हैं, उसनू टीम वर्क कहिंदे आ। मैनूं आस है कि तुहानूं सारी समझ आ गई होनी है कि टीम वर्क की हुंदा है, ठीक है। ग्रुप दे विच जो सारे मिल के काम करते हैं, ठीक है, एक बंदे तो ज़्यादा जो बंदे इकट्ठे होकर काम करते हैं उन्होंने टीम वर्क कहते हैं। दो बंद की भी टीम होंगी है बेटा, ठीक है, एक बंद की कोई टीम नहीं होंगी, सिर्फ कोई कला होंगे। सो टीम मीनस कि एक तो ज़्यादा कोई भी परसन जो कट्ठे होंगे किसी काम वास्ते उस टीम वर्क कहते हैं, चाहे वह गेम होए, चाहे दफ्तरी काम होए, चाहे घरेलू काम होए, कोई भी काम हो सकता, जो टीम से रह के करते हैं तो उसको टीम वर्क आखते हैं। सो यही साडा पाठ है, यही अज आप शुरू करना है। सो टीम वर्क का तुम्हें पता लग गया होना, ठीक है, कि टीम वर्क की होंगे। सो अगे चलते हैं।
अगे तुहाडे औखे शब्द आ गए ने, अज आपां औखे शब्द ही करने ने, विस्थार च करने ने। ठीक है, सो चलो देखते हैं। सब तो पहला आपां टीम वर्क जिहड़ा उपर कीता है उसनूं आपां हुण अर्थां दे विच किदां स्पष्ट करांगे कि टीम वर्क नूं की कहिंदे आ, वट इज़ टीम वर्क। चलो देखते हैं। सो बच्चे, सब तो पहला जिहड़ा है शब्द आया है वह है टीम वर्क। जिस तरह मैं उपर तुहानूं स्पष्ट करता सी कि सांझे काम नूं आपां टीम वर्क कहिंदे आ, सांझी शमूलियत जिहड़ी होवे, जदों आपां शमूलियत करदे आ सारे इकट्ठे मिल के कोई काम करदे आ उसनूं सांझा काम कह सकदे आ। ठीक है, टीम वर्क कह सकदे आ। सो इस नूं आपां कहांगे सम्मिलित काम कह सकते हैं। ठीक है, पंजाबी कहना हो तो सम्मिलित काम कहांगे जां सांझा काम जिहड़ा कहांगे। सो आपां इत्थे लिख सकते हैं सांझा काम जां सम्मिलित, सस्सा मम्मी सहरी लल्ला तत्ता सम्मिलित काम। ठीक है, दूसरा देखते हैं ड्रीम। सानू सारे पता है कि ड्रीम का मतलब सुपना हुंदा है। ठीक है, हर एक का किसी दर किसी का किसी भी तरह का ड्रीम हुंदा है, सुपना हुंदा है। ठीक है, सुपने देखने बड़े जरूरी है, पूरे होण चाहे ना होण। सो ड्रीम का अर्थ हुंदा है सुपना। ठीक है, सो ड्रीम नूं आपां की कहांगे सुपना। नैक्सट तीसरा यह आपां कर लिया, यह भी कर लिया। हुण अगे आ टुगैदर। टुगैदर नूं आपां की कहांगे, जदों आपां टुगैदर की गल करते हैं तो हुंदा है नाल नाल साथ। ठीक है, इकट्ठिया करना कोई काम। ठीक है, टुगैदर इहनूं कहिंदे नाल नाल, पंजाबी च नाल नाल आपां कहिंदे ना, वो नाल नाल चल रहे सी साडे। ठीक है, साथ हुंदा है कंपनी जिहनूं कह दिंदे आपां, टुगैदर हुंदा साथ जां नाल नाल। ठीक है, अगे साडे कोल हैगा शब्द हूप। हूप हुंदा बेटा सारे पासिओं कवर होना किसी चीज़ का, घेरा जिहड़ा हुंदा उपर। जिद्दां मान लो कोई पीपा, कोई साडे कोई चीज़ है, वह उपरों जदों चारे पासिओं कवर हुंदी है। ठीक है, सारे पासे वो ढके हुए होंगे, थोड़ा उपरला घेरा हों, थल्यों लैके उपर तक, उसनों हूप कहेंदे। ठीक है, घेरा कह सकते उसनों। अगला साढ़े को शब्द है बेटा कॉमन। कॉमन हुंदा आम। ठीक है, कॉमन आपां की कहांगे आम, सधारण जिन्हों कह दिंदे आपां। ठीक है, सधारण लिख सकते हो, आम लिख सकते हो। इस तों अगला बैटन। बैटन बेटा की हुंदा, बैटन हुंदा सोटी जां डंडा। ठीक है, जदों पुलिस वाले ने सोटी जिहड़ी फड़ी हुंदी ना उसनूं भी बैटन कह दिंदे आ। ठीक है, बैटन सोटी जां डंडा। उस तों अगे होल। होल मीन हुंदा सारा, टोटल जिहनूं कह दिंदे आपां होल सारा। ठीक है, सारा होल मीन सारा। और इस तों अगे लास्ट है गोल। गोल दा मतलब निशाना। ठीक है, गोल का मिल के हुंदा निशाना, निशाना। ठीक है, ये बेटा सी वर्ड मीनिंग चंगी तरह तुसी नोट कर ले होने। टीम वर्क बारे मैं तुहानूं विस्तार नाल दस्सिया कि टीम वर्क की हुंदा। सो इन्हां शब्दों नूं जिहड़ा मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा, जिहड़े बच्चे ने शब्द नहीं लिखे दोबारा लिख लैण। टीम वर्क हुंदा सांझा काम, सम्मिलित काम। ड्रीम हुंदा सुपना। टुगैदर हुंदा इकट्ठिया काम करना। ठीक है, नाल नाल साथ साथ कुछ भी लिख सकते हो। टुगैदर हुंदा नाल नाल। इस तों अगे है हूप। हूप हुंदा घेरा। ठीक है, सारा घेरा जिहड़ा थल्ले लैके उपर तक, कोई भी वस्तु है, पीपा है, डब्बा है, उहनूं आपां हूप कह दिंदे आ। उस तों अगे है कॉमन। कॉमन हुंदा आम, कोई भी आम जी गल, आम जिहा बंदा, उहनूं आपां कॉमन मैन इस तरह कह दिंदे आ, कॉमन थिंग। ठीक है, आम। उस तों अगे बैटन। बैटन छोटी हुंदी है, जिस तरह पुलिस वाले को हुंदी है जां गार्ड को हुंदी है। ठीक है, मैनूं बैटन कह दिंदे आ। उस तों अगे होल। होल मीन सारा, पूरा, सारा जां पूरा। उस तों अगे गोल। गोल मीनस की हुंदा निशाना, निशाना। ठीक है, सो ए सी वर्ड मीनिंग चंगी तरह अपने कापियां ते लिख लेने, सुने सुने करके पंजाबी रूपांतरण भी लिख सकते हो जिस तरह मैं लिखाया। सो अगली वीडियो आप जिहड़ा पाठ है पढ़ना शुरू करांगे, पूरा पाठ जिहड़ा उहदी जानकारी लवांगे, ये पाठ की है, किहदे बारे है।
सो वीडियो नू वाइंड अप कर रहे हाँ। सारे सुरक्षित रहो, घर रहो, जिन्हें भी अध्यापक साथी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ शेयर कर दियो ताकि हर बच्चे तक चौथी जिहड़ा पढ़ता बच्चा चौथी वाला उस तक ये वीडियो पहुँच सके। सो अगली वीडियो फिर मिलते हैं पाठ के नाल, पाठ पढ़ांगे ठीक है। सो सारे का बहुत बहुत धन्यवाद, सारे सत श्री अकाल।